राजस्थान के जिला झुंझुनू में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी द्वारा झुंझुनू कलेक्ट्रेट के पास धरना प्रदर्शन किया गया। राजकीय भगवान दास अस्पताल के डॉक्टर अन्य कर्मचारी समय पर नहीं आते हैं अपनी कुर्सी पर। ऐसे में अगर कोई जागरूक मरीज या उसके परिजन डॉक्टर से कुर्सी पर नहीं आने का कारण पता करते हैं तो डॉक्टर व अस्पताल कर्मी आग बबूला हो जाते हैं और मरीजों व उनके परिजनों के साथ गाली गलौज मारपीट पर आ जाते हैं। ऐसा ही मामला झुंझुनू के राजकीय भगवान दास अस्पताल का है। 12 जून को बहुजन समाज पार्टी के जोन कोऑर्डिनेटर राजेंद्र कुमार नरनौलिया उनकी पत्नी व पुत्री के साथ राजकीय भगवान दास अस्पताल के डॉक्टर शुभकरण कालेर व अन्य कर्मचारियों द्वारा मारपीट व अभद्र व्यवहार किया गया। डॉक्टर कालेर कई बार APO हो चुके हैं मगर राजनीतिक संरक्षण के कारण बार बार झुंझुनू में पदस्थापित हो जाते हैं। इसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने कलेक्टर के सामने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जिसमें डॉक्टर व अस्पताल कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। आज बहुजन समाज पार्टी की जिला यूनिट द्वारा पिछली 12 तारीख को जो हमारे प्रदेश के जोन के इंचार्ज है भाई राजेंद्र जी नारनौलिया, उनकी पत्नी और उनकी बच्ची यहाँ हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए पहुँची थी, तो वहाँ जो डॉक्टर शुभकरण सिंह कालेर उनके द्वारा और उनके समर्थकों द्वारा जिस प्रकार से मिसबिहेव किया गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, छोटी बच्ची है उस बच्ची के साथ मिसबिहेव किया, पत्नी के साथ मिसबिहेव किया, उसको लेकर हमारे प्रदेश के पदाधिकारी ने यहाँ FIR भी दर्ज कराई है। लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद भी यह शासन प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की है। उसी के सिलसिले में आज बहुजन समाज पार्टी द्वारा यहाँ सांकेतिक रूप से धरना दिया गया है और हम इस धरने के माध्यम से ये मांग करते हैं कि ये शीघ्र ही जो ये डॉक्टर है या जो समर्थक है जिन्होंने हमारे पदाधिकारी के साथ मारपीट की है, मिसबिहेव किया है, उसका तुरंत यहाँ से उसका ट्रांसफ़र किया जाए, उसे सस्पेंड किया जाए, क्योंकि पहले भी कई बार इस डॉक्टर की रिपोर्टें आ चुकी हैं। इस डॉक्टर ने पहले भी कई बार यहाँ के जो मरीज हैं उनके साथ मिसबिहेव किया है, कई बार ये APO हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण इन्हें बार बार यहीं पर पदस्थापित कर दिया जाता है। तो आज बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हम मांग करते हैं कि इस डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड किया जाए और यहाँ से हटाया जाए, वरना बहुजन समाज पार्टी संपूर्ण राजस्थान में इसी प्रकार से धरने प्रदर्शन करेगी और चैन से नहीं बैठेगी जब तक इस डॉक्टर को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तब तक बहुजन समाज पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। दलितों पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब जैसा कि हम लोग इससे पहले BJP की सरकार थी, हम लोग BJP की सरकार में कहा करते थे कि दलित समाज पर जुल्म जाति अन्य अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आज पिछले 6 महीने से जब से कांग्रेस की सरकार बनी है उसमें कमी होने की तो बात छोड़ो, लगातार दलित समाज के लोगों पर जुल्म जाति अन्य अत्याचार बढ़ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा चलते चुनाव में ही अलवर में जिस प्रकार की घटना हुई, अलवर में एक दलित शादीशुदा महिला के साथ, लड़की के साथ जिस प्रकार से गैंगरेप किया गया और उसकी रिपोर्ट को दबाए रखा, ये घटना आप लोगों ने देखा। ऐसे ही झुंझुनू जिले में भी जिस प्रकार से सवर्ण समाज के लोगों द्वारा हमारे दलित समाज के लोगों के हाथ पैर काट दिए गए, उसकी भी FIR हुई, लेकिन पुलिस जो है तत्परता से कार्रवाई नहीं कर रही है। पूरे राजस्थान में जुल्म जाति अन्य अत्याचार महिलाओं पर बलात्कार बढ़ रहे हैं और कांग्रेस सरकार शांति के साथ बैठी हुई है, कोई एक्शन नहीं ले रही। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि तुरंत कांग्रेस सरकार इन पर रोक लगाए, वरना बहुजन समाज पार्टी, जैसा कि माननीय बहन जी ने BSP को समर्थन दिया हुआ है, हम बहन जी से इस बात की शिकायत भी करेंगे कि राजस्थान में लगातार दलितों पर जुल्म जाति बढ़ रहे हैं, तो माननीय बहन जी इस पर विचार करें। तो हमें आज ये मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से दलितों पर जुल्म जाति अन्य अत्याचार हो रहे हैं, उनमें प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे जिससे कि इन अन्याय अत्याचारों पर रोक लग सके। आज क्या क्या प्रभावी कार्रवाई करना चाहते हो? नहीं, आज तो जिस मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, आज तो झुंझुनू में जिस प्रकार से डॉक्टर कालेर द्वारा हमारे पदाधिकारी के द्वारा मिसबिहेव किया गया है, इसके लिए हम चाहते हैं कि डॉक्टर को तुरंत यहाँ से सस्पेंड करके यहाँ से हटाया जाए, वरना बहुजन समाज पार्टी चैन से बैठने वाली नहीं है।